हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटे जो 1.5 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको लिखना कैसे सिखाना है, मतलब उसको पेंसिल पकड़ना, उसको किस तरीके से लिखने के लिए स्टार्टिंग, कैसे आपको लिखाना है, कैसे पकड़ना है, किस तरीके से वो आगे की ओर धीरे 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 धीरे, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ लेते हैं, लिखने के समय उनको बहुत परेशानी जाती है, लेकिन उसी समय अगर आप उसको धीरे धीरे अगर पेंसिल पकड़ना, किस तरीके से रेज करना है, ये छोटी छोटी बातें अगर उनको सामने उसको रखते रहे तो धीरे धीरे वो लिखना भी चालू कर देगा। तो कैसे करेंगे ये मैं आज आपको बताने वाली। तो देखिए, मैं मिताली, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अमेजिंग आपको बताने वाली हूँ, जो 2 से 2.5 साल के बच्चे, जो 1.5 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको आपको लिखाना कैसे है, उनको पेंसिल पकड़ना कैसे है, और वो कैसे लिखेंगे, कैसे आगे की ओर जाएंगे, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आप वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आज मैं क्या बताने वाली हूँ ये मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है हर एक चीज़ को करना, लेकिन अगर उस चीज़ को अगर करना अगर आप सीख जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, पेरेंट्स के लिए बहुत ही कठिनाई भरा होता है। वो फर्स्ट उनको लिखना कैसे सिखाएं, फर्स्ट उनको पढ़ना कैसे सिखाएं, क्योंकि अभी के बच्चे लोग पढ़ तो लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत जाता है। वो पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेते हैं, हर एक चीज़ उनसे बन जाता है, क्योंकि बच्चे लोगों का जो दिमाग का विकास होता है वो आपका 80% तक विकास हो जाता है 3 साल तक। ठीक है, 3 साल की उम्र में 80% तक उनका दिमाग का विकास हो गया रहता है। जब 5 साल का उम्र होगा बच्चे का, तब उनका 100% दिमाग का विकास हो जाता है। तो इसलिए आपको 5 साल के अंदर ही उनको पूरा अच्छी तरीके से पूरा बताना है। जितना आप उसको बताओगे, जितना आप उसको पढ़ाओगे, तो उसका दिमाग उतना ही शार्प होता जाएगा और उनका माइंड और ज़्यादा तेज़ होगा। तो कैसे होगा, देखिए, आप लिखाना तो चालू, देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, बच्चे को पेंसिल पकड़ना, आपको उसको स्केच पेन हो गया, ये स्केच पेन हो गया, ये क्रेयॉन्स हो गया, जो आपको नॉर्मली आपके घर में बहुत ही आसान से 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। फिर ये हो गया आपका शार्पनर, ठीक है, ये आपका हो गया पेंसिल, ये हो गया चॉक, ये हो गया इरेज़र। तो देखिए कैसे आप इस छोटी सी चीज़ों से आप कैसे बच्चे को लिखाना सिखाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्या है इन, ये जो मैं आपको जो 6 जो मैं चीज़ें आपको दिखाई हूँ, ये सिर्फ़ पढ़ने और सिर्फ लिखने में ही काम आएंगे। तो इसीलिए इन 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, फर्स्ट आपको ये चॉक, जब आप स्लेट पेंसिल लिखा है या बोर्ड में लिखा है, तो क्या करना है आपको, चॉक की सहायता जो मोटी होती है उनकी पकड़, 3 उंगलियों से उसको पकड़ना है। पकड़ने साथ ही साथ में आपको क्या करना है, ये जो 2 उंगली जो रिंग फिंगर हो गए और रिंग फिंगर, ये स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, सॉरी, तो इन दोनों को आपको इस तरीके से पकड़ना है, हाथों में पकड़ना है, और पकड़ने के बाद उनके हाथों को धीरे से ज़्यादा जोर से दबाव के साथ उसको मतलब पुश नहीं करना है, धीरे से आराम से उसको इस तरीके से लिखने के लिए बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यही है कि आपको पकड़ना सिखाना पड़ेगा बच्चे को, पकड़ना अगर वो सीख गए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना। सेकंड क्या है, देखिए स्केच पेन, अगर स्केच पेन आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि रेड में, जैसे क्रेयॉन्स भी आपके पास है तो वो भी रेड में ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग रेड में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो उनको रेड का ही आपको करना है। ठीक है, तो ये, और आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि गोल की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उनको गोल गोल बहुत होता है हर एक चीज़, वो बहुत ही आसानी से गोल चीज़ को बहुत ही आसानी से ऐसे गोल 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 इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब उसको लिखने के लिए बोलो तो वो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उनको सिर्फ गोल मतलब सिर्फ पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग पहले तो ऐसे पकड़ेंगे, पहले ऐसे पकड़ेंगे, फिर आप उनके हाथों को पकड़ोगे, फिर वो लिखेंगे, तो इसलिए उनको पकड़ना आना चाहिए। इसलिए आप बहुत ही अच्छे से उसके हाथों को पकड़िए और धीरे धीरे वो देखिए पकड़ना भी सीख जाएंगे। फिर देखिए इरेजर, इरेजर से क्या है, आप पेंसिल उनको दे देते हो, पेंसिल से वो पेंसिल उनको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत जाता है, फिर भी आप उसके हाथों पकड़ के आपके लिए ऐसे ऐसे करने के लिए, सिर्फ इसमें क्या होता है ना, हाथ की स्पीड भी बढ़ती है, वो जितने फास्ट जितने करेंगे, एक ये हो गया, सेकंड इस तरीके से हो गया।
ठीक है, आप ऐसे करेंगे ना बच्चे लोग, तो इससे क्या होता है हाथों की स्पीड बढ़ती है। आप वीडियो यूट्यूब में ढेरों वीडियोस होंगे, उसमें आप देख सकते हो, और मेरे भी वीडियोस हैं, दो तीन वीडियोस हैं कि बच्चे के हाथों की स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। तो बच्चे के हाथों की स्पीड इसी तरीके से बढ़ती है, अगर ये इस तरीके से अगर करता अगर है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही करना। और बाद में जब ये कर लेता है, करने के साथ साथ उसको क्या करना है, इरेज करने के लिए कहना है ये, इससे क्या पकड़ बनती है हाथों की पकड़, क्योंकि ये भी तीन उंगलियों का काम है, तो इससे भी हाथों की पकड़ बनती है। तो देखिए मैं आपको तीन ट्रिप्स बता चुकी हूँ, ये हो गया फर्स्ट चॉक, सेकंड हो गया क्रेयॉन्स पकड़ने पकड़ है ना, और ये हो गया कि लिखना कैसे है और पकड़ना कैसे है इरेजर। तो ये मैं आपको चार ट्रिक्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो मिटा रहा है, अगर कॉपी पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक हाथ से आप ही पकड़ लो और नेक्स्ट हाथ से उसको खाली मिटाने के लिए दो, खाली मिटाए वो, सिर्फ है उसको मिटाने में मज़ा आएगा। और वो जितना दबा के करना है उनको, बताना है कि दबाओ दबाओ, जितना वो दबा दबा करेंगे उतना अच्छा उनके हाथों में पकड़ आएगी, और उतने ही हाथ अच्छे तरीके से वो समझेंगे कि हाँ करना क्या, तब वो जाके क्रेयॉन्स को अच्छी तरीके से दबा करके वो लिखेंगे भी, ठीक है। और क्या है, आपको शार्पनर और पेंसिल दोनों को लेना है, और लेने के बाद उनको छीलने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये छीलना पुश करना पड़ता है इसमें, अगर वो पुश के साथ करने के साथ साथ अगर ये इसको छीलते अगर हैं, तो इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि पेंसिल वेस्ट हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन उसको छीलने दीजिए, आप मत छीलिए, उनको छील कर दीजिए। और छील कर अगर ये नोक टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उनको बोलिए अब फिर छीलो, फिर छीलो, फिर छीलो, उसे क्या हो दोनों हाथों का ग्रिप बनता है, और बहुत ही अच्छे से बच्चे इसमें क्या करते हैं, उनका हाथ तो मतलब पुश करना पड़ता है, उसी कारण वो अच्छे से इस चीज़ को पकड़ बनती है, हाथों की पकड़ बनती है, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको कुछ तरीके मैं आपको बता दी हूँ। और देखिए सिक्स क्या है, आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा नहीं, खाली स्टैंडिंग लाइन्स आपको क्या करना है, जैसे ये गोल गोला आप गोल 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 बना लिए, ठीक है, ये गोल गोल बन गया, बच्चे को ही बनाने देना है आपको, आप पकड़े रहो हाथ को, स्टैंडिंग लाइन्स एज उनको बोला है, स्टैंडिंग लाइन्स ये तो बन जाएंगे, ये उनसे बहुत ही आसानी से बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन्स। तो इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन्स उनको बनाने के लिए देना है, इस तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, देखिए फिर आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस क्रॉस मार्क लाइन्स, आपको क्रॉस मार्क लाइन्स किसे क्रॉस, ये आपको करने के लिए, ये भी बहुत ही आसानी से बच्चे लोग कर लेते हैं, क्रॉस मार्क्स लाइन्स ये भी उनको करने के लिए बताना है, ठीक है। फिर ये हो गया सर्कल, ये भी उनको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, फिर हो गया कर्व राइट्स, ये ठीक है, इस तरीके से भी उनको बोलना है। इससे क्या होता है ना, कर्व लाइन्स में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से बच्चे लोग इस चीज़ को सीख नहीं पाते, लेकिन सीख लेते हैं बहुत ही अच्छे से, वो आप हाथ पकड़े रहेंगे अगर, तो ये उस इस लाइन्स को भी वो खींचेगा। तो छोटे छोटी हैं चीज़ें जिनको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, और रखने के बाद आप इन चीज़ों का आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। ये चार ट्रिक्स मैंने बता दिए, देखिए ये स्टैंडिंग लाइन्स, ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन्स हो गया, मार्क लाइन्स क्रॉस मार्क लाइन्स, और ये हो गया कर्व लाइन्स, तो ये हो गया, और ये हो गया सर्कल्स। तो ये आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है, और बहुत ही आसानी से बच्चे लोग ये, जब ये हाथ पकड़ बन जाए, जब ये रेस करना बन जाए, फिर लास्ट में ये ट्रिक्स आपको आजमाने हैं, ये लास्ट है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ये है कि देखिए इस चीज़ से ना वो बच्चे बहुत ही आसानी से अपने हाथों की पकड़ भी और अपने लिखना भी, अगर ये उनको बन गया तो आप समझ लीजिए उनको ABCD भी धीरे धीरे लिखना आ जाएगा। तो 1.5 साल की उम्र में आप बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे को लिखना इसी तरीके से सिखा सकते हैं। पहले उनको फर्स्ट उनको पकड़ना सिखाना, क्योंकि पकड़ने में ही उनको बहुत ज़्यादा परेशानी जाएगी, ठीक है। मेरे बेटा को पकड़ने में बहुत परेशानी गया था, तो मैं इसी कारण बोल रही हूँ, क्योंकि वो पकड़ लेंगे, अगर वो एक बार अगर पकड़ लेंगे पेंसिल को किस तरीके से, पहले तो मैं इसी कारण अक्सर के पेंसिल उनको ला करके देती थी बेटा, क्योंकि वो दबा लिखता तो था लेकिन दबा करके लिख नहीं पाता था, इसी कारण मैं अक्सर का ही पेंसिल ला के देती थी। अक्सर के पेंसिल से वो धीरे से हल्के हाथों से भी लिखता था तो दिखता था, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना, तो बच्चा बहुत ही आसानी से पढ़ लेगा और लिख भी लेगा। तो यहाँ तक मैं वीडियो आपका यहीं तक करती हूँ, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न क्वेश्चन आपके मन में अगर है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।